अबाउट नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन इज अबाउट बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज बिट्स. Bilateral investment treaties protect the investment of one country into another. Provisions like protection against nationalization, non-discriminatory treatment, etc. ठीक है, तो ध्यान से सुनना है. Nationalization, non-discriminatory treatment, इन्हां दे खिलाफ provisions होंदी हैं bilateral investment treaty दे विच. Although मैं तुहानूं टॉपिक नहीं करवाया, ये टॉपिक जिहड़ा है इंडिया ते यूरोप दे विच एक BIT साइन होने की गल चलती पई है. सो इंडिया एंड यूरोप बोथ ऑफ देम आर इन डिस्कशन, इन अ वेरी मैच्योर डिस्कशन ऑन साइनिंग अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. अगर दोनों के विच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो जाएगी तो उसके विच इदां दीआं प्रोविजन्स होंदीआं प्रोटेक्शन अगेंस्ट नैशनलाइजेशन. ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नैशनलाइजेशन कहने का मतलब है, सपोज करो इंडिया के यूरोप के विच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होगी, हुण उहदे विच की हो गया, लेट से US की कोई एयरलाइन है उन्हें इंडिया च इन्वेस्टमेंट करती, उदू बाद उस एयरलाइन का सारा शेयर खरीद लिया इंडिया की सरकार ने, नैशनलाइजेशन करती, विच इज़ नॉट पॉसिबल. बट ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों से बिट साइन होया हुआ है. सिमिलरली अगर तुम देखो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, इसे लिखो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, थोड़ा लिखो ये बारे, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट. देखो आज इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, लेट्स से दिस इज इंडियाज गवर्नमेंट, आज अपनी सरकार जड़ी है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोक्योरर भी है, है ना, प्रोक्योरर भी है, काफ़ी माल प्रोक्योर करता है. डू यू इफ यू रिमैंबर मैं तुम्हें दस्या सीगा, ठीक है, आ जाओ, इफ यू रिमैबर मैं तुम्हें दस्या सीगा कि एक जैम पोर्टल भी लॉन्च किया गया सी. सो देयर वाज अ जैम पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड, देयर वाज अ जैम पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड, एंड इहदे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोक्योर करती है. प्रोक्योर इन द सेंस के, है ना, जिवें पेंसिल तो लैके कॉपी पेन, मतलब है ना, वड्डा वड्डा इक्यूपमेंट्स हो गए, प्रोक्योर करती है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी लियावे कि असी प्रोक्योरमेंट सिर्फ इंडियन कंपनीज तो करांगे, तो उन्होंने की कह देंगे, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, राइट. अगर गवर्नमेंट कह दे कि असी पॉलिसी, असी प्रोक्योरमेंट किसी तो भी कर सकते, उन्होंने की कहते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट. तो इस करके इदा के प्रोविजन होंगे बिट्स के विच, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के विच. ठीक है, विच ऑफ द वर्ब अबव द करेक्ट, किहड़ा आंसर है, सी ऑप्शन. ठीक है, सो दिस इज़ द मॉडल जिहड़ा कि इंडिया के EU के विच साइन हो रहा है. बाकी फिर कल देखते हैं आप, ठीक है, 15 क्वेश्चन रह गए, 4:30 आ जाइए, 15 क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन विल डिस्कस टुमारो. ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सर ये, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स तो सबनों पता है की होंगे, है ना, एवरीवन नोज़. आज का दौर यह जहा है कि आप अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, अमेजॉन फेसबुक कह रहे हैं, अमेजॉन एंड ई कॉमर्स का टाइम है, एंड ई कॉमर्स के तुम्हें पता है थोड़ा कोई ब्लू डार्ट हो गया, या इदा दियाँ कुछ कोरियर एजेंसीज है, कोरियर कंपनीज है. तो बेसिकली की है, लॉजिस्टिक्स इज ऑल दोज, यू नो, इज अ सैक्टर जिहड़ा ये सारी चीज़ों इनकलूड करते हैं, जिदे विच आ कंपनीज आ गई, जिदे विच ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बसों का सिस्टम हो गया, है ना, छोटे हाथी निकल रहे हैं कदे इतों की कदे इतें. सो ये पूरा सिस्टम लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है, मतलब ए तो लैके बी पॉइंट तक अगर आपने कोई चीज़ नूं भेजना है, उस पूरे सैक्टर लॉजिस्टिक सैक्टर कहते हैं. एंड आने वाले दौर के विच तुहानूं पता है सैक्टर होर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो रीज़न की है, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग ऑनलाइन, है ना, ई कमर्स इज, यू नो, बीटिंग द नॉर्मल कमर्स जो हो रहा है. तो इस पूरे चीज़ के उपर एक इंडेक्स पब्लिश किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो एक कंट्री दे विच देखता है कि उस कंट्री दे विच गुड्स की मूवमेंट कितनी ईजीली हो सकती है या नहीं हो सकती. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. तो केडी स्टेटमेंट करेक्ट है, दे विच दोनों ही है. तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करता है, एंड इहदे विच गुड्स इनसाइड इंडिया एंड इंडिया तो बाहर अगर गुड्स लेके जाने हैं तो कितना कि ईजीली मूवमेंट होती है. हुण इंडिया हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, तो अगर आप देखिए तो वर्ल्ड बैंक वालों पब्लिश होंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक तो मैं कराया सीगा, तो काफ़ी इदा की रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप. एंड अगर इंडिया की सिचुएशन देखिए तो इंडिया का रैंक काफ़ी अच्छा है, ये 2018 का इंडेक्स है. ठीक है, एंड अगर इस 2018 का इंडेक्स देखिए तो इंडिया का रैंक 44 है इसते, यानी कि इंडिया हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल ऑन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. बाकी अगर आप पाकिस्तान, है ना, गल करेंगे तो 122 है पाकिस्तान का, तो अगर कंपेरिजन पाकिस्तान करना चाहते हो तुम, है ना, तो इन्होंने इंडेक्स से कर सकते हो. ठीक है, अजकल तो अफगानिस्तान की हूँ गल चलन लग गई, गो टू अफगानिस्तान, पहला गो टू पाकिस्तान होंगे, हूँ अफगानिस्तान भेजते लोग, है ना, एंटी नैशनल्स.
सो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो रैंक हो गया एंड अफगानिस्तान पीछे आ गया. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के विच आ सारी चीज़ें हैगी हैं. फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा हैगी है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेटर हैगा थोड़ा. फिर उस तो बाद देखो है ना ट्रैक एंड ट्रेस कंसाइनमेंट्स. सो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं सर कि कितना ट्रैक एंड ट्रेस कंसाइनमेंट्स कितने प्रॉपर हैगे है. तो अगर थोड़ा ये इंडेक्स अच्छा है तो डेफिनेटली थोड़ा रैंक ऊपर होएगा. लेट्स गो टू द 85th क्वेश्चन, आउटकम बजट. ठीक है, आउटकम बजट. हाँ जी रमन, आउटकम बजट मेजर्स द डेवलपमेंटल आउटकम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. इट इज़ अ मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, हाँ जी, की लगता है? सी लगता है, सी आंसर है. तो याद है ना आउटकम बजट है ना, मैं जैसे ऐसे तीन टाइप के बजट होंगे हैं. वन इज कॉल्ड द आउटपुट, आउटले एंड आउटकम. तो आउटकम बेसिकली की देखता है, आउटकम देखता है कि वेदर वो स्कीम सक्सेसफुल हुई है कि नहीं, ऑन ग्राउंड वो कोई डिफरेंस फर्क पै रहा है कि नहीं पै रहा है ना, उन्होंने आप आउटकम बजट कहने. फॉर एग्जाम्पल स्कूल का, स्कूल ने पैसे देने आउटले हो गया, स्कूल का बनना आउटपुट हो गया, लेकिन एजुकेशन रिसीव होनी आउटकम होगी है. सो दिस इज वॉट आई टॉक्ट अबाउट. हाँ जी 86 ते आओ, असेंशियल कमोडिटी एक्ट बारे पूछा है. असेंशियल कमोडिटी एक्ट तुम्हें पता है न्यूज़ हैगा क्योंकि इस एक्ट नू है ना चेंज करते पे है मोदी जी. देर इज़ एन अमेंडमेंट टू दिस एक्ट, असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 दे विच आया सी दी अमेंडमेंट हो रही है. एंड शोज द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल कमोडिटीज बाय प्रोटेक्टिंग द लिस्टेड आइटम्स. ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर है ना इस एक्ट के विच केड़ी केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, हाँ जी अर्श, की लगता है? सी, स्टेट गवर्नमेंट्स हैगी हैं. यस, ये एक्ट जड़ा है ये एक्ट सेंटर गवर्नमेंट का है, लेकिन इस एक्ट दे विच स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे रखी है. ऑल दो दिस एक्ट इज़ अ सेंटर सेंट्रल लॉ, बट दिस एक्ट दे विच स्टेट गवर्नमेंट को पावर है. की पावर है स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो डिफाइन कर सकती है कि असेंशियल कमोडिटी है एंड उन्होंने रेगुलेट किमें करना है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए, फूड इंस्पेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे है एंड दे गो एंड चेक वैदर जो कोल्ड चेन के है ना आलूआ का या जो भी सिस्टम है मेनटेन हो रहा कि नहीं हो रहा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट 87. हाँ जी, कौन दसेगा आंसर? साहिल, प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग बारे पूछा है ना, PSL, प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग. एप्लीकेबल टू दो सैक्टर्स विच डू नॉट गेट ईजी क्रेडिट फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो, एक्सपोर्ट क्रेडिट यानी कि किसी ने एक्सपोर्टर लिए लोन लेना है, एक्सपोर्टर ने लोन लेना है, वह एजुकेशन लोन लेना है किसी ने या घर लिए किसी ने लोन लेना है. ये प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है. ਕਿਹੜਾ ਆਫਸਰ ਹੈ? ਡੀ ਆ ਬੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਈਜ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ. ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਈਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਦੋ ਸੈਕਟਰਸ ਹੂ ਵਿਚ ਡੂ ਨੋਟ ਗੈਟ ਈਜ਼ੀ ਲੋਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ? ਸੀ ਆਂਸਰ ਹੋਜੂਗਾ. तो PSL दे विच देखो, PSL दे विच केड़े केड़े इंपॉर्टेंट तुहाडे कोल सैक्टर हैगी है आप देख लें. एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सैक्टर, खेतीबाड़ी दे विच PSL मिलता है. माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हाउसिंग घरां लई माइक्रो क्रेडिट जिहड़े माइक्रो फाइनैंस दिंदे हैं SHG सैल्फ हेल्प ग्रुप्स नूं. ठीक है, फिर रिमैंबर एजुकेशन लोनस हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC ST. ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट. तो एक्सपोर्ट क्रेडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं 88. हाँ जी, ऑल NPAs आर स्ट्रेस्ड एसेट्स है ना हिमांशु, सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स स्ट्रेस्ड एसेट्स होंगे हैं. एन एसेट इज कंसिडर स्ट्रेस्ड एसेट इफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 45 डेज. की आंसर हो सकता है? बी. ठीक है, बी आंसर है. क्यों पहला क्यों नहीं है ऑप्शन? हाँ, वेरी गुड. याद करो मैं दस्या सी एसेट्स दो तरीके ना क्लासीफाई करोंगे. एक तो होजूगा आपने को स्टैंडर्ड एसेट, फिर स्टैंडर्ड एसेट के आपने को स्ट्रेस्ड एसेट जिहड़े के NPA बन सकते हैं एंड फिर आ जाती है NPAs. हाँ 30 डेज है इतने है ना, वैसे मतलब 30 डेज आना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन गलत होने चाहिए हैं. पर चलो गिवन द, वैसे मैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस करना सी. ठीक है, हाँ तो आ ऑप्शन है क्या देखो है ना, स्टैंडर्ड एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट दे दो एसेट रेगुलर थे स्ट्रेस्ड, लेकिन 1 to 90 डेज तो बाद आ जाते सारे. ठीक है, गुड आंसर यार हिमांशु, वेरी गुड. चलो जी अगे देखिए 89. पी नोट्स
केड़े नोट्स है, पार्टिसिपेटरी नोट्स एंड ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि सेम गल है, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है ना, आर यूज्ड बाय फॉरेन एंटिटीज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटी. ठीक है. सेकंड ऑप्शन, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी. ठीक है अमरिंदर, करेंगे जवाब इधर. पहला ऑप्शन सही है. दूसरा, दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी और नॉट, है ना? नहीं, गलत है. दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, यही मैं दस्या सीगा कि दे एक्ट वेरी सीक्रेटिवली. ठीक है, इन्हां दी रजिस्ट्रेशन सेबी नाल नहीं होंगी, पी नोट्स की नहीं होंगी, इंस्टीट्यूशनल फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होंगी है, लेकिन जेड़े ये पैसे पा रहे उन्होंने सेबी नहीं पता होंगे, ता ही तो आगे काला पैसा है ना आंदा ये. लैट्स गो टू नैक्सट. आप पी नोट का पूरा सिस्टम है. ठीक है, तो देख लियो ये, है ना, भेज दूंगा मैं. वैसे मैं तुम्हें समझाई दिता सारा. टैक्स टेररिज्म ते आओ. हाँ जी ममता, टैक्स टेररिज्म. टैक्स टेररिज्म एक प्रैक्टिस है अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्पोज लार्ज अनजस्टिफाइड टैक्सेस. ठीक है, अनजस्टिफाइड टैक्सेस. ऑप्शन नंबर सेकंड, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टैक्स टेररिज्म. बड़ा खतरनाक वर्ड है टैक्स टेररिज्म, है ना. ये वैसे तो कोई वर्ड नहीं हैगा, बट कई बार मीडिया दे विच या है ना, कई बार कुछ लोग इहदे बारे डिस्कशन करते हैं. सी लग रहा है, सी ऑप्शन है. ठीक है, राइट आंसर है. टैक्स टेररिज्म का बेसिक मतलब यह है कि है ना, मतलब टैक्स के थ्रू टेरर क्रिएट करना, कि इन्ना टैक्स लगा देना, अनजस्टिफाइड टैक्सेस लगा देने. एंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कई बार क्या जाता है कि इट इज़ नथिंग बट टैक्स टेररिज्म. ठीक है, क्योंकि है ना, बंदे नूं पता ही नहीं मैं टैक्स देना है, बाद दस साल बाद कहते हूँ तू पहला वाला भी टैक्स दे, तो वो चीज़ जी है गलत होगी. गुड, रेट्रोस्पेक्टिव याद करो. मैं दस्या केन, एक तो होंगे प्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, जिवें सपोज करो शेट्टी, लेट्स से कि अज गवर्नमेंट कहती है कि मैं टैक्स लगाना है. गवर्नमेंट अज एक बजट के नवा टैक्स लेके आती है, एंड ये कहती है कि नवा टैक्स जोड़ा अज बजट मैं लेके आ रही है. निर्मला ताई जी कहती है ना कि मैं अज बजट लेके आ रही है, तो ये टैक्स अज तो लागू होएगा. इनू कहते प्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी कि अज मैं लेके आई है तो अज तो ये टैक्स लागू होएगा. लेकिन अगर निर्मला ताई जी ये कहती है कि ये टैक्स मैं अज लेके आ रही है, लेकिन ये टैक्स 2000 तो लागू होएगा, मतलब 2000 तो है ना भी लोगों को देना पेगा. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हें भी देना पेगा, ये चाहे तुम उस टाइम नहीं दिता, बट नाउ यू हैव टू गिव. तो यू की कहें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, कहना मतलब है डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स जी बैक डेट चो है. प्रॉपर्टी टैक्स कह सकते हो, है ना, हाँ, केन एनर्जी वो सारा. तो यह बड़ा गलत है यार, सोच के देख. तू इमेजिन करके देख, तू बिजनेस चला रहा 2005 के, तू अपने बिजनेस 2005 देखा कि मेरा इन्ना कॉस्टिंग है तो मेरा इन्ना एम आर पी है, मतलब इन्ना मेरा प्रॉफिट है, तो आ मेरा प्रॉफिट हो गया है ना, एंड इस प्रॉफिट के मैं इन्ना टैक्स पे करके इन्नी मेरी कमाई होगी. यही सोच के तू काम चला रहा सा, सारा पेट वेट भर रहा है, तो फिर सरकार कहती है हूँ तू भी 2005 जी कमाई की वह भी टैक्स दे, क्योंकि असं अज अपना है ना लैके आए हैं, तो उस तो मार दोगे सरकार, है ना, असैसीनेशन प्लॉट्स. ठीक है, अगे चलते हैं. आ टैक्स टेररिज्म है, इंस्पैक्टर आ जा टैक्स पेयर जो बेचारे गरीब है ना वो पिछे पिया है. चलो जी नेक्स्ट आ जाओ. 91 ग्रीन बोंड्स. ग्रीन बोंड्स बारे पूछे, ऑल ग्रीन बोंड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, डेट दे दूजा कौन होंगे एक्विटी, याद है कि नहीं, है ना. सो डेट एंड एक्विटी, ऑल ग्रीन बोंड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. द कैपिटल रेज्ड फ्रॉम ग्रीन बोंड्स यूज ओनली टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, एमिशन रिडक्शन एटसेट्रा. हाँ जी नवदीप, क्या लगता है इसका आंसर? सी है, ठीक है. ग्रीन बोंड्स, बोंड्स इटसेल्फ इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड डेफिनेटली हुन इथे ओनली वर्ड यूज करने का मतलब ये नहीं है कि गलत होगा ये. ठीक है, बोंड जो तो वर्ड ही यूज कर ले सर, है ना, एक्विटी है ही, मतलब ही लॉजिक ही कोई नहीं है एक्विटी का. 92 ते आ जाओ. हाँ जी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. पहला पेमेंट बैंक देखा सी, हुन आपां स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देख रहे हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बारे की चीज़ करेक्ट है? दे आर निश बैंक्स. ठीक है, निश बैंक्स का मतलब है स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जेडे केटर टू स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. दीज बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो एडवांस लोन्स, मतलब लोन भी देते हैं तो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं. हाँ जी, की होएगा रमन? क्यों नहीं ध्यान चाह रहा लोन्स बारे? अकी लिखे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, की करेंगे ये? फाइनेंस देंगे. फाइनेंस देंगे मतलब लोन देंगे, है ना, किनू लोन देंगे?
स्मॉल है ना, स्मॉल लेंडर्स, ठीक है, छोटे बिजनेसमैन, छोटे फार्मर्स, ठीक है, जिन्होंने घट लोन देना, वड्या नहीं देंगे, वड्डे इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज लोन देंगे। आंसर इज सी। चलो जी अगे आ जाओ 93rd। यस अर्श, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की होंगे, APAs की होंगे है, APAs मतलब हेल्प द कंपनीज टू प्लान देयर टैक्स पेमेंट्स इन अ बेटर वे, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, दे आर यूजफुल इन अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, ठीक है, की लगता है की आंसर होएगा? सी, सारे आंसर सी ही आ रहे हैं, है ना। तो APAs मैं दसिया सीगा कदों होंगे सर, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस, ट्रांसफर प्राइसिंग द केस, है ना। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग द केस हुंदा की है, अल्टीमेटली देखो पहला तो अनसर्टनिटी होंगी कि टैक्स कितना पे करना है, फिर जो APA साइन हो जाता तो सर्टनिटी आ जाती है कि इन्ना टैक्स असं पे करांगे, ये साड़ा बिजनेस मॉडल है। तो अग्रीमेंट किदे विच होगा? बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने APA साइन करूगी विद ऑल द टैक्स पेयर्स, एंड जी डिपार्टमेंट होगी वो कहेगी कि इन्ना टैक्स बंद होगा कि इन्ना बंद है, दोनों बैठ के डिस्कशन करके स्टैंप लगा देंगे कि इन्ना टैक्स तू पे करेगा, एंड फिर उन्ना टैक्स ही वो पे कर देंगे। ये सर्टनिटी दोनों साइड से आऊगी, डिपार्टमेंट नू भी आऊगी तो टैक्स पेयर नू भी आऊगी। एडवांटेज की है? लिटिगेशंस तो है ना बचणगे, क्योंकि अदरवाइज की होंगे कि वो कहें तेरा इन्ना टैक्स लगता, वो कहना इन्ना लगता नहीं है, बाद लड़ पैंदे फिर कोर्ट च काम चला जाता है, एंड सारा काम उलझ जाता है। हाँ जी 94, वेरी इंटरेस्टिंग, ATMs बारे पूछे, ऑल बैंक ATMs आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कंसर्न्ड बैंक, ठीक है। सो जितने भी बैंक ATMs होते हैं ये कंसर्न्ड बैंक ओन्ड और ऑपरेट करता है। एक वाइट लेबल ATMs होते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, विच आर ओन ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज। तो मैं है ना थोड़ा दिखा देना तुम्हें, यदा आंसर सी है दोनों, है ना, वैसे ऑप्शन दिखा दा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अगर तुम ATMs देखो ना, ATMs के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखिए, अगर आप सिंपल ATM देखिए, सिंपल ATM देखिए जो बैंक ऑपरेटेड है, वो सामने तो बैंक की ब्रांडिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल तुम देखा होगा OBC बैंक, SBI बैंक, इन्हों की ब्रांडिंग्स होंगी है, वो होंगे बैंक ओन्ड ATMs। जनरली सारे बैंक अपने ATMs आप ही ओन करते हैं, पर कई बार बैंक अपने ATM बिजनेस को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है, दे गिव इट टू दोज कंपनीज जो कि ATMs रन कर सकती है, ठीक है, ऑन अ कॉस्ट। तो जिमें सपोज करो वाइट लेबल ATM है, यानी कि कोई भी ATM है वो सामने वाइट लेबलिंग हुई हुई है, मतलब बारो वाइट है पूरा का पूरा। वाइट लेबल ATM इज एक्चुअली एक नॉन बैंकिंग एंटिटी है, वाइल कैश इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर्ड बैंक, यानी कि इतने आउटसोर्सिंग हुई हुई है ना। आर यू गेटिंग द आइडिया? इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉन बैंकिंग एंटिटी, बट कैश इज प्रोवाइडेड बाय अ स्पॉन्सर्ड बैंक, तो कैश स्पॉन्सर्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। तो ATM के विच जाके तुसी आपका कार्ड स्वैप करो एंड पैसे कड्डो, बेसिकली सारे ATMs कनेक्टेड है टू योर बैंक अकाउंट एंड सारी चीज़ा होनगियाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ब्राउन लेबल ATM। ब्राउन लेबल ATM इज आउटसोर्स टू अ थर्ड एंटिटी, ये ओन्ड बाय द बैंक है, यह किसी होर कंपनी नाल ओन्ड हैगा, ये बैंक ही ओन करता लेकिन आउटसोर्स करता थर्ड पार्टी। थर्ड देखो ग्रीन लेबल ATM, ये ATM सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस लिए किया गया है, ठीक है, जिते ग्रीन लेबल है। ऑरेंज लेबल ATM, ये शेयर्स लिए ट्रांजैक्शन है। येलो लेबल ATM, ये ई कमर्स लिए ट्रांजैक्शंस है। एंड पिंक लेबल ATM, ये वीमेन बैंकिंग है, पिंक है ना, वीमेन बैंकिंग, यानी कि इतने सिर्फ वीमेन ही ट्रांजैक्शन कर सकती है। सो इदा डिफरेंट डिफरेंट लेबल ATMs होंगे, लेकिन इंडिया के विच नहीं मिलते। इंडिया से जनरली केड़े मिलते हैं? या तो बैंक ओन्ड ATMs मिल जाते हैं, या फिर इदा के वाइट लेबल ते ब्राउन लेबल ATMs मिलते हैं। वाइट लेबल ATM का मतलब है कल मैं कोई ATM बिजनेस स्टार्ट करना चाहना है ना, एंड मैं ATM बिजनेस स्टार्ट करना चाहना, एंड डेफिनेटली मैं चाहना कि मैनू कोई भी स्वैप करूगा कार्ड तो मैनू भी कुछ परसेंटेज उस चीज़ का मिले। तो मैं वो सारे बैंक्स नाल डील करके रखता है कि तुम मैनू पैसे भेजो, ये मैं पाऊँगा एंड कुछ परसेंटेज मैनू मिलेगा। तो अल्टीमेटली एवरी वन इज कनेक्टेड टू दिस ATM, ऑल द बैंक, मैं कार्ड स्वैप करूंगा मैंने पैसे मिलेंगे। तुम किसी भी ATM के जाके पैसे कढ़ा सकते हो ना, जरूरी तो नहीं होंगे ना कि तुम आपके बैंक के ATM जी जाके पैसे कढ़ाओगे, है ना। इदा एक वाइट लेबल ATM बनाता, उन्होंने मैं बैंक से कनेक्ट करता, मेरा बिजनेस चल गया ATMs का। तो यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुम अपना ATM का बिजनेस चला सकते हो एंड उन्होंने है ना सपोर्ट कर सकते हो विद द कैश स्पॉन्सर्ड बैंक्स तो लैके। दूसरी जगह यह भी कर सकते हो कि तुम बैंक को कह सकते हो कि मैं थोड़ा ATM चलाना है, उन्होंने ब्राउन लेबल ATM कहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ ATM। 95th आओ, टैक्स मिटिगेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस आर वन एंड द सेम। यस साहिल, टैक्स मिटिगेशन और टैक्स अवॉइडेंस एक ही चीज़ होती है, बोथ कम अंडर द स्ट्रैटेजीज ऑफ टैक्स प्लानिंग, ठीक है। सो दोनों चीज़ें टैक्स प्लानिंग में आती हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? केड़ी? बी। बी के डी?
याद करो यार की दसा सीगा मैं टैक्स मिटिगेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। तो तू आंसर की है दोनों ही करेक्ट अनकरेक्ट है। आप पहला स्टेटमेंट दसो सही है कि गलत है। हाँ ये गलत है। दूसरी स्टेटमेंट सही है कि गलत है। टैक्स हाँ तो टैक्स नहीं टैक्स प्लानिंग टैक्स मिटिगेशन चाहती है। टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस नहीं आता। टैक्स प्लानिंग सही चीज़ है अगर कोई बंदा टैक्स प्लानिंग करता सही चीज़ है लीगल भी है एथिकल भी है। तो आ भी सही स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। समझ आया कि नहीं यार मैं दस्या सीगा सन तुहानू तीन चीज़ा कि मिटिगेशन है ना अवॉइडेंस इवेजन जिहड़ी मिटिगेशन वो प्लानिंग च आएगी ठीक है। आ प्लानिंग च नहीं आएगी तो गलत काम कर रहे हो तुसीं। ये आपां डिस्कशन कीती सीगी ठीक है। हाँ जी आ देखो सारा लिखा हुआ है इवेजन राइट अवॉइडेंस एंड प्लानिंग ठीक है ना। तो इवेजन दे विच नॉट पेइंग टैक्सेस अवॉइडेंस मिनिमाइजिंग टैक्सेस लीगैलिटी ए गैर कानूनी है। ये दोनों लीगल है लेकिन ये लीगल है लेकिन अल्टीमेटली की है ना मतलब इट इज़ नॉट गुड ये सही नहीं है लेकिन आ सही है ठीक है। सो ये तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। 96 से आओ ऑल स्टार्टअप्स नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद इन द लास्ट 7 ईयर्स ठीक है। तो स्टार्टअप्स दी डेफिनेशन पूछी हुई है कि स्टार्टअप इंडिया दे विच की हुंदा है ना बड़े स्टार्टअप्स खुले फ्लिपकार्ट ये वो तो स्टार्टअप्स की डेफिनेशन पूछी है। द स्टार्टअप्स कैन बी अ प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस ओरिएंटेड। तो स्टार्टअप्स कैन बी अ प्रोसेस प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता स्टार्टअप या सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है। हाँ जी की लगता है जी हिमांशु है सी आंसर है। स्टार्टअप की डेफिनेशन ये है कि अज तुम कोई बिजनेस करते हो 7 साल तक बिजनेस चलता है तो 7वें साल तक अगर तुम रजिस्ट्रेशन करा लो तो तुम्हें स्टार्टअप की डेफिनेशन जो बिजनेस में पाया जाएगा। अगर 8 साल वो बिजनेस पहुँच जाता तो फिर स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन नहीं आऊगा नॉर्मल कंपनी की रजिस्ट्रेशन होएगी। अगर वो स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है है ना। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के कुछ ना कुछ बेनीफिट्स है लाइक टैक्स बेनीफिट्स है इदा के कुछ कुछ बेनीफिट्स तुम्हें अवेलेबल हो जाते हैं ठीक है। सो इस करके तो देखो डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप पहला 5 साल की डेफिनेशन होंगी सी उन्होंने इनक्रीज करके 7 ईयर्स करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट हूँ 7 साल तक का बिजनेस जिहड़ा स्टार्टअप होएगा। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है दस्या जिवें है ना अपने देश होर भी बड़े इंडियाज़ प्रोग्राम है द क्लीन इंडिया मिशन है ना एंड स्वच्छ भारत अभियान तो उस टाइप का स्टार्टअप डिजिटल इंडिया मिशन एंड ये डेफिनेशन के होर भी बहुत चीज़ा लिखिया हुई हैं पढ़ लियो। लेट्स गो टू 97 मसाला बॉन्ड्स। हाँ जी कौन करेगा जी इन आंसर हिमांशु मसाला बॉन्ड्स तुसी आंसर करता कि नहीं किता। मसाला बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दीज बॉन्ड्स इंसुलेट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। इन्वेस्टर को इंसुलेट मतलब इन्वेस्टर को बचाते हैं एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से। हाँ जी की आंसर होएगा ए सी आंसर है ठीक है। वैसे ये आना चाहिए है ना। हाँ ये आऊगा सही आंसर है ठीक है। ये आंसर है इन्वेस्टर नहीं बचाते कंपनी बचाते हैं ठीक है। कंपनी बचाते हैं सही आंसर से थोड़ा है ना करेक्ट कर लियो कंपनी बचाते हैं। आज लास्ट 92nd 3rd लास्ट से आ गया 98 कैपिटल गेन टैक्स। हाँ भाई मिस्टर शेट्टी कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स इज लेवीड ऑन प्रॉफिट्स मेड आउट ऑफ एसेट्स ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ एप्लीकेबल ओनली वैन द एसेट इज रियलाइज मतलब मोनेटाइज जो एसेट नू बेच दे हो ठीक है उदो ही एप्लीकेबल है ठीक है। देखो दो तीन चीज़ा होंदी हैं। सब तो पहली चीज़ की होंदी है जो तुसी लिख लो एक चीज़ लिख लो टैक्स दे रिगार्डिंग जिहड़े बच्चे अज हुणे आए ना हिस्ट्री आपां शुरू कर रहे हैं पहला दा ही चल रहा इन्हां दा कुछ MCQs ठीक है। पर तुसी सोचियो उन्हें पता नहीं की चली जांदा है ना। वेट कर लो स्टार्टिंग हिस्ट्री 10 मिनट्स दे अंदर तुसी बाहर अगर गेड़ा गुड़ा मार के ना मारियो ठीक है 10 मिनट्स से 5 मिनट्स से हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान नाल सुनना है। आ जाओ देखो अगर मैं तुहानू डिस्कशन करा टैक्सेस दी ध्यान नाल सुनना है ठीक है बहुत फोकस करके। जो मैं टैक्सेस दी डिस्कशन करदा तो टैक्सेस मेरी 3 स्टेजेस से लगते हैं लिख लो 3 स्टेजेस से टैक्सेस लग सकते हैं मेरे अप्लाई होंगे है। पहली स्टेज होंगी है वैन यू परचेज समथिंग जो तुम कोई चीज़ परचेज करते हो उदो टैक्स लग सकता है। दूसरी चीज़ होंगी है जो उस पर्टिकुलर चीज़ जो तुम परचेज की है वो एप्रीसीएशन हो उदो टैक्स लग सकता है एंड जो तुम उस चीज़ को बेचते हो वैन यू सैल दैट थिंग यानी कि तुम जो रियलाइजेशन करते हो मोनेटाइजेशन करते हो उदो टैक्स लग सकता है।
सो टैक्स तीन जगह से लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मैं एक शेयर परचेज किया, लेकिन शेयर जो तो मैं परचेज किया एंड 100 रुपया मैं शेयर का परचेज 100 रुपये की वैल्यू परचेज की, लेकिन वो 1 रुपया मैं सरकार को देता, यानी कि शेयर परचेज करने को मैं 101 रुपये लगे, 100 रुपये का शेयर 1 रुपये का टैक्स, तो की हो गया परचेज से मेरा टैक्स लग गया। सैकेंड टैक्स कदों होया जो 100 रुपये का शेयर 200 रुपये का हो गया, या सरकार जिहड़ा है जिवें जिवें एप्रीशिएशन होई जांदी ऑटोमैटिकली डिडक्शन करी जांदा है, ठीक है। दैट इज़ ऑलसो वन ऑफ द वे बाई विच द टैक्स कैन बी अपलाइड। एंड थर्ड इज़ जो ये 200 रुपये का शेयर मैं बेचिया तो सरकार ने मैं कुछ पैसे दिते जो मैं बेचिया, इतने भी टैक्स लग सकता है। सो टैक्स जो भी कोई कैपिटल बनता है तीन एसेट्स से लग सकता है, ऑन द परचेज ऑफ इट, ऑन द एप्रीसीएशन ऑफ इट, ऑन द सेलिंग ऑफ इट। तुसी कई बार सुनिया होगा कि कोई अगर आपस है कोई सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं सरकार वालों, जो अपने को थोड़े पैसे आते हैं आपू सेव करने की कोशिश करते हैं, या तुसी कोई कदे बार ये सारी चीज़ें सुनिया हो तो इधर आ जाओ, है ना, सेविंग सर्टिफिकेट सुनिया होगा। तो कई बार ये लिखा होता कि ये जो चीज़ खरीद रहे हो ये EET है ना, इस टाइप ना सुनिया होगा, नहीं सुनिया तो हूँ सुन लिया, ठीक है। EET लिख लो, EET EET का मतलब है एग्जम्पशन एग्जम्पशन टैक्सेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ EET है तो मैं क्या कहूँगा, एग्जम्पशन टैक्सेशन टैक्सेशन। अगर मैं कहूँ TTT है तो क्या होगा, टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन। एंड अगर मैं कहूँ EEE है तो क्या होगा, एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन। तो ये तुहाडे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज एन है ना प्रोबेबली टुमोरोज इन्वेस्टर है ना, जो तुहाडे कोल पैसा आऊगा एंड तुसी किसी चीज़ नू FD खरीदना चाहते हो या कोई शेयर खरीदना चाहते हो या कोई सरकारी स्कीम बॉन्ड खरीदना चाहते हो, तो तुसी देखो कि सरकार उहदे विच जिहड़े टैक्सेशन का प्रिंसीपल रख रही है वह किहड़ा रख रही है। सपोज सरकार कहती है कि इहदे विच TTT है, हुण बेवकूफ ही होंगे जिहड़ा तुसी लओगे, है ना, कि पहला मैं परचेज से टैक्स देव जी, फिर वो एप्रीसीएशन से टैक्स देव जी, फिर उदो मैं सेल से टैक्स देव। तुसी हमेशा यह देखोगे कि उस पर्टिकुलर प्रिंसीपल से EEE है या नहीं। अगर EEE है तो दैट प्रिंसीपल इज अमेजिंग प्रिंसीपल, अगर EET है दैन ऑल्सो इट इज़ फाइन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सिमिलरली अगर कैपिटल गेन की गल करते हैं लिखे ये उदो ही रियलाइज होंगे वैन एसेट इज मोनेटाइज, एसेट न जब मोनेटाइज किया जाता है। की आंसर होएगा दा सी, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के अंदर अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 1 ईयर, ठीक है। हाँ जी 99 लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे आओ, वेंचर कैपिटल फंड्स VCF VCF की होंगे सर, मैनेज द फंड ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप्स, सही है। इन्वेस्टर सीक्स टू गेन प्राइवेट इक्विटी इन द स्टार्टअप्स। हाँ जी रमन, तो वेंचर कैपिटल फंड्स कौन होते हैं, फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड ऑब्वियसली गल इट इज़ आल्सो करेक्ट, क्यों, क्योंकि पैसे पा के करना की चाहता है, शेयर लेना चाहता उससे, है ना। हूँ जिवें अन अकैडमी है या कोई होर है, सॉफ्ट बैंक है, इन्हें पैसा किस पाया है ना, जोमैटो दे विच पैसा पाया। जोमैटो पैसा पाने का मतलब की है, सॉफ्ट बैंक इज एक्चुअली एन ओनर इन जोमैटो, जोमैटो ज़्यादा कुछ परसेंटेज उन्हें खरीद लिया, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक आइडिया। लास्ट क्वेश्चन ध्यान है सर, IPO है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO सिक्योरिटी सेल सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज मेड अप ऑफ इक्विटी एंड डेट्स। हाँ जी अर्श, IPO सेल सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी मार्केट इज मेड अप ऑफ इक्विटीज एंड डेट सही है, की आंसर आएगा B only, ठीक है।